डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपको असमान अंतराल के लिए न्यूटन का विभाज्य तंत्र सूत्र बताया था। उसके अनुसार कि एफ एक्स का एक्स के मान एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स एन टोटल कितने मान हैं, एन प्लस वन। इन एन प्लस वन मानों के संगत एफ एक्स के एन प्लस वन मान आपको दिए हुए हैं। तो न्यूटन के विभाज्य तंत्र सूत्र के अनुसार एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो, ई एफ का पहला विभाज्य तंत्र है। फिर दो फैक्टर्स हैं एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन, ये आपका द्वितीय विभाज्य तंत्र है। तीन चर हैं एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू के लिए एंड सो ऑन, ये आपके एन फैक्टर्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन है, ये एन वा विभाज्य तंत्र है। तो यहाँ इस ये जो फॉर्मूला का डेरिवेशन किया उस समय ये ध्यान में रखा गया है, क्योंकि x के n प्लस वन मान आपको के संगत एफ एक्स के मान n प्लस वन मान ज्ञात है। तो इस एफ एक्स को एफ एक्स आपका है, ये मान लिया कि एफ एक्स आपका n घात का एफ एक्स है, n घात का बहुपद है, ये एफ एक्स n घात के बहुपद के सन्निकटन है। और उस केस में इसका n प्लस वन वा एन प्लस वन वा विभाजित अंतर है, विभाजित अंतर है वो शून्य लिया हुआ है, और शून्य लेकर ये डेरिवेशन अपन ने किया था। एन घात का बहुपद लिया इसको, और बहुपद मानकर अपने ये करके अपने ये डेरिवेशन निकाला है। तो इस डेरिवेशन के लिए अपन ये जो इसका डेरिवेशन किया था उसमें पहले अपन देखे, यहाँ से अपन देख रहे हैं, यहाँ पर एफ एक्स बराबर एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स जीरो, ये आपका प्रथम विभाजित अंतर होता है चार एक्स और एक्स जीरो के लिए। फिर ये उस पक्ष में चला जाएगा, तो एफ एक्स का मान एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एफ एक्स एक्स जीरो आ जाता है। उसके बाद में तीन चर है एक्स एक्स जीरो एक्स वन के लिए द्वितीय विभाजित अंतर लिखते हैं, उससे आपके पास है एफ एक्स एक्स जीरो का मान आएगा, वो इसके अंदर रखा जो इक्वेशन आई। इस तरह का प्रक्रिया आपकी जारी रहती है, और लास्ट में आपके पास है इस ये जो डेरिवेशंस है, और इस डेरिवेशन में साथ में अपने पास यहाँ पर एन प्लस वन फिर टर्म्स आते हैं, और एन प्लस वन विभाजित अंतर आता है, और उस विभाजित अंतर को शून्य, क्योंकि एन प्लस वन विभाजित अंतर शून्य लेकर आपके पास है ये जो डेरिवेशंस है, न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र है वो आपको प्राप्त हुआ था। ये अपने पिछली क्लास में अपने देखा था। आज अपन इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अपना है कि निम्न सारणी, ये आपको सारणी दी हुई है जिसके अंदर एक्स के मान है और उसके संगत एफ एक्स के मान है। एक्स का मान है चार, उसके संगत एफ एक्स का मान है 48। एक्स का मान आपका पाँच है, एफ एक्स का मान है 100। एक्स का मान सात, एफ एक्स का मान 294। एक्स का मान 10 पर 900 एफ एक्स का मान, 11 पर 1210 और 13 पर ये 2028 है, ये आपको दिया हुआ है। ये जो निम्न सारणी है, सारणी आपको ये दी हुई है, से न्यूटन के विभाजित अंतर सूत्र द्वारा एफ टू एफ एट तथा एफ 15 एफ 15 का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसमें आप है कि एफ 2 एफ 7 एफ 8 और एफ 15 पर मान आपको निकलवाया है। साथ में आप इस सारणी में देखें कि
कि इन दोनों का अंतर एक का है, इन दोनों का दो का है, इनका तीन का है, इनका एक का है, इनका दो का अंतर है। तो मीन्स एफ एक्स के मान असमान अंतराल में दिए हुए हैं। तो असमान अंतराल में दिए हुए हैं तो अपन या तो लांगड़ा सूत्र है या न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र है, इन दोनों का किसी का भी अपन यूज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चंस में कह दिया स्पष्ट कि न्यूटन के विभाजित अंतर सूत्र है, उसके द्वारा ही करना है, तो न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र द्वारा ही अपन एफ टू एफ एट और एफ फिफ्टीन का मान ज्ञात करेंगे। लेकिन यदि एग्जाम में आपको कहे कि निम्न सारणी से आप ये नहीं लिखे, सूत्र का नाम नहीं लिखे, और कहे कि आपको एफ टू एफ एट और एफ फिफ्टीन का मान ज्ञात करना, तो आप अपनी इच्छानुसार जो भी अच्छा लगे आपको, उस लांगड़ा सूत्र हो या न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र हो, किसी एक का यूज करके आपको एफ टू एफ एट और एफ फिफ्टीन का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो आपको दिए हुए हैं, पहले अपन इन चरों के लिए, ये जो चर एक्स के मान है और उनके संगत अपन विभाजित अंतर सारणी अपन बनाएंगे, और फिर उस जो फॉर्मूला है उसके अंदर मान रखकर अपन सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये आ जाएगा कि पहले आपको निम्न आंकड़ों से विभाजित अंतर सारणी निम्न आंकड़ों से विभाजित अंतर सारणी अपन बनाएंगे। या दिए गए आंकड़ों निम्न की जगह दिए हुए आंकड़ों से विभाजित अंतर सारणी निम्न है, कौन सी विभाजित अंतर सारणी आपको बनानी है, तो एक्स की वैल्यू उसके संगत एफ एक्स, यहाँ पर प्रथम विभाजित अंतर है एफ एक्स, उसके बाद में द्वितीय विभाजित अंतर, ये चीज अपन लिखेंगे। फर्स्ट अपन देख रहे हैं एक्स का मान 4, उसके संगत एफ एक्स का मान 48, एक्स का मान 5 है तो ये 100, एक्स का मान 7 पर 294, 10 पर 900, 11 पर 1210 और 13 पर आपको दिया हुआ है 2028। फर्स्ट विभाजित अंतर अपन निकालेंगे। फर्स्ट विभाजित अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 100 में से 48 घटाना है और 5 माइनस 1 से विभाजित करना है, इन दोनों के डिफरेंस को उनके संगत चरों से अपन विभाजित करेंगे, ये रिजल्ट आपका आएगा 52। उसके बाद में इन दोनों का अंतर 294 माइनस 100, इनके संगत चर हैं 7 माइनस 5 तो ये आ जाएगा 97। उसके बाद में इन दोनों का अंतर, ये आपका 900 माइनस 294 डिवाइडेड बाय इनके संगत चर हैं 10 माइनस 7 तो ये आ जाएगा 202। इन दोनों का अंतर तो 1210 माइनस 900 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 10 ये आ गया 310। इन दोनों का अंतर 2028 माइनस 1210 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 11 तो ये आ जाएगा 409। ये आपका प्रथम विभाजित अंतर आ गया। आप देख रहे हैं कि जो आपका न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र होगा उसमें एक्स जीरो, अर्थात ये एक्स जीरो है, ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, ये एक्स थ्री है, ये एक्स फोर होगा और ये एक्स फाइव होगा।
आपको एफ एक्स जीरो का मान लिखना है उसमें, तो ये आपका एफ एक्स जीरो है, ये आपका एफ एक्स जीरो और एक्स वन है, प्रथम विभाजित अंतर है एक्स जीरो और एक्स वन के लिए। अब अपन द्वितीय विभाजित अंतर निकालेंगे एफ एक्स का, ये आ जाएगा प्रथम विभाजित अंतर जो आपका है, प्रथम विभाजित अंतर ये वाला है, इन दोनों का अंतर डिवाइडेड बाय, आप देखिए यहाँ पर इन दोनों में आप देखिए कि ये पाँच और ये पाँच सेम है, तो सात माइनस चार हो जाएगा, सात माइनस चार हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 97-52 डिवाइडेड बाई कितना, 7-4, तो ये आ गया 15। उसके बाद में इन दोनों का अंतर, तो 202-97 डिवाइडेड बाई, अब देखिए आप कॉमन वेरिएबल आपका कौन सा है, 7, इसको छोड़ दीजिए, तो 10-5 और ये रिजल्ट आ जाएगा 21। उसके बाद में इन दोनों का अंतर, तो 310-202 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इन दोनों में आपके पास कॉमन जो आपका चर है वो कितना है, 10 वाला, तो ये आ जाएगा 11-7, तो 11-7 और ये आ जाएगा 27। उसके बाद में इन दोनों का अंतर 409-310, सेम उसी की तरह आप देख रहे हैं कि 11 जो आपका है वो इन दोनों में कॉमन है सर, तो 13-10 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 13-10, तो ये आपका हो जाएगा 33। तो ये आपका द्वितीय विभाजित अंतर है, द्वितीय विभाजित अंतर है, इसको या तो इस तरह से लिख दे सेकेंड विभाजित अंतर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं एफ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एफ एक्स जीरो एक्स वन और एक्स टू चरों के लिए है। देखिए 7-4, तो 7-4 अपन कर रहे हैं यहाँ पर, तो 7-4 है, तो मीन्स ये तीन चर हैं यहाँ तक, एक्स जीरो एक्स वन और एक्स टू, ये आपका द्वितीय विभाजित अंतर हो गया इनके लिए, इन तीन चरों के लिए द्वितीय विभाजित अंतर आपका हो गया। अब अपन तृतीय विभाजित अंतर निकालेंगे, तो तृतीय विभाजित अंतर के लिए द्वितीय विभाजित अंतर है, क्योंकि ये चीज़ अपन साथ साथ टेबल में अपन करते जा रहे हैं, थर्ड विभाजित अंतर, ये क्या होगा, सेकंड विभाजित अंतर का हमको उसके संगत चरों से आपको विभाजित करना है, तो 21-15 डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों में आप देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे कॉमन फैक्टर आपके पास है कौन सा है, नहीं पता लगेगा, तो आप देखें कि इसमें है चार से लेकर सात है इसमें, पहले में 4 से 7, दूसरे में आपका है 5 से 10, 5 से 10, ये तीन चर हैं इसमें, तो टोटल आपके पास चर कितने आ गए, 4, 5, 7 और 10, तो ये आ जाएगा 10-4, ये आपका तृतीय विभाजित अंतर हो गया। अब यहाँ देखिए तृतीय विभाजित अंतर कौन कौन से है, यहाँ अब नहीं पता लग रहा तो कोई बात नहीं, ये आपका द्वितीय विभाजित अंतर है एफ एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री के लिए। अब यहाँ क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पास एक्स एफ आपका ये दोनों आपके पास सेम है कॉमन, तो एक्स थ्री माइनस एक्स जीरो, एक्स थ्री का मान कितना है 10, माइनस एक्स जीरो कितना है 4, तो 10-4 अपन ने इसमें द्वितीय विभाजित अंतर, तृतीय विभाजित अंतर निकालने के लिए ये लिखा है, ये आपका तृतीय विभाजित अंतर हो गया। तो ये जो तृतीय विभाजित अंतर है ये क्या है, एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री
चार वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है तृतीय विभाजित अंतर के लिए। उसके बाद में आपको ये दो वेरिएबल इनका अंतर आप करेंगे तो 27 माइनस 21 डिवाइडेड बाई चार, कौन कौन से लेंगे ये आपके पास है, ले लीजिए कॉमन तो दिखाई नहीं दे रहा, तो 11 माइनस 5 ये रिजल्ट आपका आ जाएगा एक। और नेक्स्ट आप इन दोनों का अंतर तो 33 माइनस 27 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 13 माइनस 7 ये भी आपका एक आ जाएगा, ये आपका तृतीय विभाजित अंतर हो गया। चौथा विभाजित अंतर है वो लेना है, और तो चौथा विभाजित अंतर लेने के लिए आपको टेबल को और आगे बढ़ाना है, ये आपका चौथा विभाजित अंतर एफ एक्स तृतीय विभाजित अंतर का अंतर तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 कौन कौन से लेंगे, 4 से शुरू होकर कांत खत्म हो रहा 11 पर, तो 11 माइनस 4 रिजल्ट आपका 0 ही आएगा। इसमें इन दोनों का अंतर तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 कहाँ से शुरू हो रहा 5 से लेकर 13 तक, तो 13 माइनस 5 रिजल्ट 0 ही आएगा। तो ये आपका चौथा विभाजित अंतर है एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एक्स फोर वेरिएबल के लिए चौथा विभाजित अंतर, ये अपन ने टेबल बना ली। अब इसको अपन न्यूटन का जो विभाजित अंतर फॉर्मूला था उसके अंदर ये मान अपन रखेंगे, तो न्यूटन का जो विभाजित अंतर सूत्र है न्यूटन के विभाजित अंतर सूत्र से एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो प्रथम विभाजित अंतर एक्स जीरो और एक्स वन के लिए प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन द्वितीय विभाजित अंतर एक्स जीरो एक्स वन और एक्स टू के लिए प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू और तृतीय विभाजित अंतर एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री वेरिएबल के लिए प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री और चौथा विभाजित अंतर एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एक्स फोर वेरिएबल के लिए, ये आपका चौथा विभाजित अंतर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये चौथा विभाजित अंतर एक्स थ्री और एक्स फोर वेरिएबल के लिए, अभी टेबल में आपको ये मान बताए हैं वो मान अपन रख दें। तो मान रखेंगे तो आपके पास एफ एक्स का मान आपको प्राप्त होगा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स जीरो, एफ एक्स जीरो का मान बताया था 48 प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स जीरो का मान है 4 और प्रथम विभाजित अंतर है 52 एक्स जीरो और एक्स वन के लिए प्लस एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई द्वितीय विभाजित एक्स जीरो एक्स वन और एक्स टू के लिए यह है 15 प्लस एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 7 और तृतीय विभाजित अंतर है एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री के लिए वो 1 प्लस एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 10 और चौथा विभाजित अंतर है 0। तो इससे आपको एफ एक्स का मान आपको प्राप्त हो जाएगा, सिंप्लीफाई आप करेंगे सिंप्लीफिकेशन के बाद में एफ एक्स का मान आपको प्राप्त होगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। फर्स्ट अपने पास देख रहे हैं यहाँ पर ये तो पहला 48 आ गया,
फिर ये आपका हो जाएगा 52x-4 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई कीजिए, सारा काम आपको यहाँ पर करना है। तो ये कितना हो जाएगा 208। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा प्लस 15 से अपन मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 15x2। ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा माइनस 9 मतलब 135x, फिर प्लस 20 मतलब 300, फिर प्लस x-4, x-5, तो ये तो हो जाएगा आपका x²-9x+20, और इसको मल्टीप्लाई करना है x-7 से, तो ये हो जाएगा x³। और फिर x² के ये दोनों से 9, 7 कितना हो जाएगा माइनस के 16x। फिर x की टर्म्स, x की आपके पास 20 माइनस के 20 और प्लस के 63, 83। ये आपका प्लस के 83 एक्स और माइनस के 140। सिंप्लीफाई करने पर आपके पास एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर ये तो आपका x³ सबसे उसका x³, फिर x² की टर्म्स, x² की टर्म देख रहे हैं आपके 15 और ये माइनस के 16, तो ये आ जाएगा माइनस का x². फिर x की टर्म्स देखें अपन, तो देखिए 83 और 52 कितना होता है 135, और ये 135 ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद में कांस्टेंट देखें अपन, कांस्टेंट देखें ना, प्लस के आपके पास 348 और माइनस के भी 348, ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। आपका जो एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू आपका आ गया x²(x-1), ये एफ एक्स आ गया। अब आपको इस फॉर ये जो रिजल्ट है इसमें x = 2, अब तो नंबर 1 लगा दें इसमें, 1 में x = 2 रखने पर f2 का मान आपको प्राप्त होगा, वो कितना आएगा, तो आ जाएगा 4। 1 में x = 8 रखने पर आपको मान प्राप्त होगा f8 का, तो ये कितना आ जाएगा 64 माइनस, ये आ जाएगा 8² और 8-1, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया 448। और 1 में x = 15 रखने पर आपको f15 का मान आपको प्राप्त होगा, तो f15 इक्वल टू 15² 15-1, तो कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई कीजिए आप, तो ये आ जाएगा 3150। इस तरह से आप पहले आपको न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र लिखना है, और उसके लिए विभाजित अंतर सारणी बनाकर जो आंकड़े आपको दिए हुए हैं विभाजित अंतर सारणी बनानी है, फिर उस फॉर्मूले में आपको मान रखना है, और मान रखकर आपके पास एक फंक्शन एफ एक्स का मान आ जाएगा x² (x-1), और इसके अंदर आप x = 2, 8 और 15 रखेंगे, आपको f2, f8 और f15 के मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।